राजधानी भोपाल में भाजपा का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यालय में हवन पूजन कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। देखिए इस रिपोर्ट। आज यानी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 39वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का ये प्रमुख राजनीतिक दल देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा दल है। देश की सत्ता पर भले ही भाजपा काबिज हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार नजारा उल्टा है, क्योंकि 15 सालों बाद भाजपा विपक्ष के रूप में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर भाजपा कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया और पूर्व सीएम शिवराज ने पार्टी कार्यालय में हवन पूजन कर स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस सैनिक के साथ प्रारंभ हो चुका है। मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं संगठन के उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर आज हमें इस वैभव तक पहुंचाया है। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि देश पहले, उसके बाद पार्टी और सबसे अंत में मैं। यह भाजपा है जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र देश को दिया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बधाइयां, शुभकामनाएं। मैं उन सब महापुरुषों को प्रणाम करता हूं कि जिनके परिश्रम से, जिनके खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा गया। एक नहीं, अनेकों महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन को समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। अटल जी, अडवाणी जी की जोड़ी ने पार्टी को और आगे बढ़ाया, पूरे देश में फैलाया और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की जोड़ी, इनने समाज के हर वर्ग में, देश के हर क्षेत्र में अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को फैलाने का काम किया है। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश को एक वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा, एकात्म मानव दर्शन के रूप में दी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और सबसे अंत में मैं। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, लेकिन इस बार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बिना
पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।